आज इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्पन्न के क्या क्या कारण थे, काहे यूरोप में ही राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ, क्यों लोग अपने देश से मोहब्बत बेतहा मोहब्बत करने लगे, तो आज उसी के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन आपसे 6 नंबर में पूछा जा सकता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के क्या कारण थे, इसकी समीक्षा कीजिए, या क्यों उत्पन्न हुआ। केवल आप सुनेंगे, मैं प्रश्न दे दूंगा, खुद अपने ऑटोमेटिक जाइएगा घर पर लिख लीजिए। खूब अच्छा, अभी जाकर घर पर जाकर लिख लीजिए, समझिए। पहले आप जानते होंगे 18वीं शताब्दी के दौरान, एकदम ध्यान से सुनना बाबू, एकदम ध्यान से, कोई किसी से कांटेक्ट नहीं, अपनी नज़र हमसे जुड़ा लीजिए, कि 18वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रवाद एक शक्ति के रूप में उभरा। 18वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद, पूरे देश के लोग अपने देश से मोहब्बत करने लगे, जुड़ गए, जिसने यूरोप के वंश साम्राज्यों के स्थान पर देश और राज्य के उदय का नेतृत्व किया। वंश का मतलब होता है जो यूरोप में जो राजा महाराजा होते थे, अब उनकी अंत होने लगी। जो तानाशाही सरकार चला रहे थे कि मेरा ही राज चलेगा, मेरा ही जो भी नियम है वो चलेगा, वो समाप्त होने लगा। अब वहाँ पर एक नया कानून व्यवस्था बनने लगी यूरोप में। और सुनो, अब फ्रांसीसी क्रांति ने आधुनिक राष्ट्रवाद का मार्ग प्रस्तुत किया था। आपको याद होगा, क्रांतियाँ तो बहुत हुई, पहले आपने थोड़ा सा मैं यहाँ पर परिचय दे देता हूँ। सबसे पहले इंग्लैंड की क्रांति हुई थी, कब हुआ था, क्रांति का मतलब जानते हैं, क्रांति का मतलब क्या होता है, क्रांति का मतलब होता है बदलाव, परिवर्तन। उसके बाद से सेकेंड जो क्रांति हुई थी उसका नाम था अमेरिका की क्रांति, अमेरिका की क्रांति। जब एक लड़का सब बता रहा है, कोई ना कोई स्ट्रांग एक विषय में होता है। उसके बाद से तीसरा हुई फ्रांस की क्रांति, हाँ अब उमंग आ रहा है तुम लोगों में, 1789 ईस्वी में। उसके बाद से रूस की क्रांति 1917 में। इतने क्रांति यूरोप में हुए थे, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित हुआ था फ्रांस की क्रांति। जब फ्रांस की क्रांति हुई, जब फ्रांस की क्रांति संपन्न हुआ, तो फ्रांस की क्रांति के बाद यूरोप में एक नया उमंग आ गया, यूरोप में एक नया परिवर्तन आ गया। और परिवर्तन का आया कि फ्रांसीसी क्रांति ने पुराने राजशाही आदेश पर सवाल उठाया। एकदम सुनते रहना, फ्रांसीसी क्रांति के बाद लोगों में परिवर्तन आया और लोगों ने राजशाही पर क्या किया, उंगली उठाया, कहा कि अब राजशाही नहीं चलेगी, राजशाही माने राजा का शासन नहीं चलेगा, यहाँ पर नया कानून बनेगा, नया यहाँ का देश का कोई नया व्यक्ति नेतृत्व करेगा, और एक लोकप्रिय राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित किया गया। एक संयुक्त समुदाय के रूप में राष्ट्र पर बल देने के लिए फ्रांसीसी क्रांति ने पितृभूमि, नागरिक और फ्रांसीसी लोगों के बीच एक फ्रांसीसी ध्वज का विचार किया। अच्छा, जब फ्रांस की क्रांति हो गई, जितने भी देश के लोग थे ना, सब लोग कहे कि मेरा एक पहचान होगा, हमारा देश का एक पहचान होगा, हमारा देश का एक झंडा होगा, और वह झंडा लहरता रहेगा, उसी से हमारी पहचान होगी। दुनिया में कितना भी हम महान बन जाएंगे, लेकिन आपके साथ आपका देश का झंडा जरूर लगा रहता है। जब समझते हैं, जितने देश के लिए कार्य करते हैं व्यक्ति, सबके ऊपर कहीं ना कहीं देश का झंडा लगा होता है। देखियो, तो चाहते थे, इतना प्यार करने लगा अपने यूरोप से, जितने भी यूरोप में देश थे, अपने जितने भी लोग थे, अपने देश इतना प्यार करते थे कि अब कहते थे कि यहाँ राजा नहीं रहेगा, राजा का शासन नहीं चलेगा, यहाँ पर नया नेतृत्व होगा, नया कोई व्यक्ति आएगा नेतृत्व करेगा, हम सभी देशों के लिए एक नया झंडा रहेगा, अलग अलग देश की अलग अलग पहचान होगी, और हम इस झंडा के द्वारा अपने देश की पहचान करेंगे। उसके बाद से देखो, सभी नागरिकों ने के लिए एक समान कानून के साथ एक केंद्रीय प्रशासनिक प्रणाली की शुरुआत की। मतलब सभी जितने भी यूरोप में लोग थे, वो सभी लोगों ने कहा कि अब सबके ऊपर समान अधिकार रहेगा। अब इसके पहले पढ़े थे ना कि लोग जो राजा थे, जो धनवान लोग होते थे उसको वोट देने का अधिकार था, जो गरीब लोग थे उसको वोट देने का अधिकार नहीं था। जो धनवान लोग होते थे गरीब लोग से मनमानी कर वसूलते थे, तो इसको भी लोग चाहते थे कि हटाया जाए, और हट भी गया। वो चाहते थे कि नया कानून व्यवस्था इसमें लगाया जाए।
क्षेत्रीय भाषा की जगह देश की समान भाषा के रूप में स्वीकार किया। क्षेत्रीय भाषा का मतलब क्या होता है, जैसे कुशीनगर है एक क्षेत्र है तो यहाँ के लोग अलग बोले, लखनऊ के लोग अलग बोले, उसने ये कहा ऐसा नहीं होगा, पूरा देश में एक ही भाषा चलेगा और वही सब लोग बोलने का प्रयास करेंगे। कब हुआ ये, कब हो रहा है, जब लोगों के राष्ट्र के प्रति प्रेम बढ़ रहा है, राष्ट्रवाद के निर्माण हो रहा है। जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड 18वीं शताब्दी के मध्य राजशाहिनी डचियों और कैटिनों में विभाजित थे, जिसके शासकों ने अपने स्वायत्त प्रदेशों का निर्माण किया था। उन्होंने एक सामाजिक पहचान या एक आम संस्कृति साझा नहीं की। कुछ महत्वपूर्ण कारकों ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया। नए मध्यम वर्ग का उदय, आपको याद है नए, अच्छा दो प्रकार तीन प्रकार का वर्ग पढ़े होंगे, ये सब लड़कियाँ पढ़ी होंगी होम साइंस वाले, एक कुलीन वर्ग थे, एक मध्यम वर्ग थे और एक नया मध्यम वर्ग था। तो कुलीन वर्ग में, जो कुलीन का मतलब होता है धनवान, जो धनवान लोग थे वह कुलीन वर्ग में रहते थे, जो मध्य वाले थे जैसे डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, अध्यापक थे, उसको रखा गया था। और जो हाँ जो माने अब जो मध्यम का वर्ग माने सबसे निम्न वर्ग के जो थे, निम्न वर्ग के थे, उसमें गरीब को रखा गया था। तो गरीब, अगर आप गरीब है ना, अगर आप कितना भी बड़ा परिवार आपके पास, आप गरीब हैं और आपके परिवार में पढ़ा लिखा कोई नहीं है तो आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ तक आपको जाना चाहिए। गरीब हैं आप, डीएम से एसडीएम से बैठ के बात करने में आपको दिक्कत होगी, क्या कहाँ से शुरुआत करें, डरेंगे आप जाने के लिए। जो पढ़े लिखे हैं परिवार अगर है, गरीब है तो कहा लेकिन लड़ जाते हैं जा करके कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, बात समझ रहे हैं। तो वही बात वहाँ पर हुआ था, पहले एक था आपका निम्न वर्ग, एक था कुलीन वर्ग, कुलीन वर्ग को पूरा अधिकार था, कुलीन वर्ग में धनवान लोग थे और निम्न वर्ग में गरीब लोग थे, और गरीब लोग तो पढ़े लिखे थे नहीं, तो कौन भाई कौन उसको जाकर अटैक करेगा, कोई करेगा, कोई नहीं करेगा। तो एक नया मध्यम वर्ग का निर्माण हुआ और इन लोगों ने अटैक किया, फिर वहाँ के जो राजशाही शासन व्यवस्था थी, जो राजा का मनमानी शासन चलता था, उसका अंत हुआ। अच्छा आप लोग पढ़ रहे हैं ना, आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपके परिवार में जो कम पढ़े लिखे होंगे उसके ऊपर अटैक जरूर करेंगे अगर वो गलत करता है। अब तो आने वाला टाइम में तो किसी का कोई ना कोई धन लेगा ना कुछ लेगा, पूरा एकदम खत्म हो जाए। पहले लोग बड़ी मारामारी करते थे अपने जमीन की, आज कहाँ कर रहे हैं सब, समझ गए। आज तो सब लोग होशियार, आप लोग के सामने अगर झगड़ा होता होगा तो खुद कहते होंगे कि नहीं नहीं होना चाहिए, पापा जाने तो उसको दो बीता है तो दे दीजिए ना, कहाँ हो जाए, उस दो बीता के लिए आपको चोट लग जाए ये अच्छी बात नहीं, कहते हैं आप लोग ऐसा, कहते हमारे जन्माल हमारा सिखा होता रहा सीधा बोलते हैं। तो नए मध्यम वर्ग का निर्माण हुआ जिसके कारण राष्ट्रवाद का विकास तेजी से हुआ। अच्छा देखो उदारवाद, उदारवाद का मतलब जानते हैं ना, उदारवाद का मतलब होता है कि जो अपने धर्म को नहीं मानता है और तेजी से विकास करता है उसी को क्या कहते हैं, उदारवाद। एक होता है रूढ़िवाद, जैसे हमने के इंडिया में है तो हम लोग रूढ़िवादी है, एक रूढ़िवादी होता है एक उदारवाद। उदारवाद वो होता है ना जो अपने धर्म को नहीं मानते, हाँ अमेरिका हो जाएगा चाहे बहुत देश हो जाएंगे, जो केवल विकास पर ध्यान देते हैं। एक होता है रूढ़िवाद जो धर्म पर ज्यादा जाते हैं, तो वहाँ विकास कैसे, इंडिया है जैसे आप कहेंगे मेरा धर्म बड़ा, हम कहेंगे हमारा धर्म बड़ा, धर्म में रह जाएंगे जिंदगी में, इसलिए तरक्की आप नहीं कर पाएंगे, यहाँ कहेंगे रह जाएंगे। अगर वहाँ से क्रांतिकारियों का उदय, अच्छा क्रांतिकारी वाले जानते हैं ना, जो माने अपने देश के लिए लड़ जाए, जान दे दे, जैसे हम लोग हैं, अगर कह दे मोदी जी कि चलिए आप लोग को फांसी पर चलना है तो तैयार है कि नहीं हम लोग, नहीं गलती की नहीं, माने देश को बचाना है तब हम लोग जा सकते हैं, जिंदगी का ना काम के अगर देश को ना बचाने के लिए। तो थोड़ा सा आप एक हेडिंग बना लेंगे, चलिए लिखवा देते आपको, लिख लीजिए यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण, लिखो पहला हेडिंग बना लो यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण है, क्या देखा हेडिंग, पहला लिखो यूरोप में राजा तनाशाही ढंग से शासन व्यवस्था चलाते थे
शासन व्यवस्था चलाते थे, जिससे यूरोप के लोगों ने विरोध किया। यूरोप के लोगों ने क्या किया? विरोध किया। चाहते थे कि राजा मनमानी ढंग से शासन व्यवस्था नहीं चलाए। दूसरा लिख लेना, यूरोप में लोग अपने अपने देशों से बहुत प्रेम करते थे, और वे चाहते थे कि सभी लोगों के लिए एक नया कानून व्यवस्था बने जिसके फलस्वरूप लोग अपने राष्ट्र से प्रेम करें। अच्छा, आप अपने देश से प्यार करते हैं ना, बेतहा करते हैं। ये धरती या आसमान सब आपके लिए है, और धरती आसमान के बीच में आपको रहना है। अच्छा, एक और हेडिंग बना लीजिए सब लोग, कुलीन वर्ग यहाँ पर लिख देते हैं। अच्छा, सब लोग इसको लिख लिया है ना, आज सुन के ही लिख लो, टाइम बच जाएगा इससे। कुलीन वर्ग, कुलीन माने धनवान, कुलीन माने क्या होता है? धनवान। अरे ऐसे वर्ग जिसमें धनवान लोग उपस्थित थे, इन्हीं को वोट देने का अधिकार भी था, समझ रहे हो? तो लिखो कुलीन वर्ग। अरे सब पर ही लिखो यार, कुलीन वर्ग सब पर ही डालने के लिए आप लिख लीजिए, फिर आपको लिखना ना पड़े, क्योंकि जब आपको रिवीजन कराया जाएगा तो काफी रहेगा आपके पास, तो कड़क बता दीजिए। देखो, ऐसे वर्ग जिसमें धनवान लोग उपस्थित होते थे। अच्छा, धनवान कौन है? कुछ नहीं किया, ऐसे वर्ग जिसमें धनवान लोग उपस्थित होते हैं, मन बड़ा होना चाहिए, तो उसे कुलीन वर्ग कहते हैं। ठीक है, हो गया कुलीन। आप एक खेली नया मध्यम वर्ग। अच्छा, नया मध्यम वर्ग में सब लोग जानते हैं कौन कौन थे? इंजीनियर थे, अध्यापक थे, डॉक्टर थे, शिल्पकार मैंने कहा वाला, उसी को इंजीनियर भी कह सकते हैं आप। शिल्पकार पहले के भाषा में शिल्पकार कहा जाता था, अब इंजीनियर, हालांकि इंजीनियर का अंग्रेजी में शिल्पकार कहा जाता है। देखो, हाँ, अभियंता भी कहते हैं, अरविंद सिंह अभियंता। देखेंगे जब इस वर्ग में इंजीनियर कमा कर दो डॉक्टरिन भइल भी देखो अलग लगा होती है, इंजीनियर डॉक्टर तथा अध्यापक उपस्थित थे ठीक है, तब आपका रहेगा मध्यम या निम्न वर्ग। देखो, इसमें
गरीब लोग उपस्थित थे। तुम लिख लियो, इस समय गरीब लोग उपस्थित थे, उपस्थित थे, जिसे वोट देने का अधिकार नहीं था, जिसे वोट देने का अधिकार नहीं था। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना पढ़े।